मंदसौर में अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने दांडी मार्च निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बैरिकेटिंग कर कांग्रेसी नेताओं को एसडीएम कार्यालय से बाहर भी रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसानों की फसलें बुरी तरह सड़ चुकी हैं, अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। अगर सरकार जल्द से जल्द मुआवजा का ऐलान नहीं करती है तो 7 दिन के बाद कलेक्टर कार्यालय और क्षेत्रीय मंत्री हरदीप सिंह डंग के घर का घेराव करेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस के समस्त प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं द्वारा लदूना चौराहे से दांडी यात्रा प्रारंभ करके अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ का घेराव किया गया। इस घेराव का उद्देश्य था कि जिस समय 2019 में सोयाबीन की फसलें अतिवृष्टि से नष्ट हुई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बिना किसी सर्वे के मुआवजा दिया था। इस वर्ष पहले अफलन और फिर अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हुई है और एक माह से लगातार किसान पक्ष विपक्ष और गांव के किसानों ने ज्ञापन देकर के मांग की, लेकिन आज तक अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे नहीं करवाया गया।